Hi, in this video lecture I will discuss about the Ruby ledger, its principle, construction and working, then after its application and drawback. So Ruby ledger is the first working ledger, right, that by discovered by Theodore Estedt-Maiman at Hughes Research Laboratory on May 16, 1960. Construction. Ruby ledger actually consists of three main components. Ruby ledger तीन main component को के through actually develop होती है. Number one, an active ledger medium, जिसको हम ruby crystal बोलते हैं. Number two, एक resonator होता है, जिसके अंदर दो मिरर होते हैं एक्चुअली, और वन इज फुली रिफ्लेक्टिंग और सेकंड पार्शियली रिफ्लेक्टर. थर्ड इज द पंपिंग प्रोसेस. व्हाट पंपिंग प्रोसेस वी हैव यूज हियर, दैट इज द ज़ीनोन फ्लैश लैम्प. रूबी क्या है, रूबी क्रिस्टल क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड. और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इन विच सम एल्युमिनियम एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय द क्रोमियम एटम्स. ये होता है एक्टिव मटेरियल जो रूबी लेजर के अंदर है, वो क्रोमियम है. और अगर इसमें 0.5 कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम की ऐड कर दी जाए एल्युमिनियम ऑक्साइड में, तो उसका कलर जो होगा वो पिंक कलर का होगा. इसीलिए रूबी रोड जो है वो पिंक कलर की है. सेकंड पॉइंट, डायमेंशन ऑफ रूबी क्रिस्टल कितना कंसिडर किया है. 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है और 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर है. इसके दो फेसेस हैं रूबी क्रिस्टल, जो रूबी रोड हम बोलते हैं. ये दो फेसेस इनमें से, और ये दो जैसे बोल चुके हैं कि एक परफेक्टली रिफ्लेक्टर है और एक पार्शली रिफ्लेक्टर है. पार्शली जहां से आपको लेजर लाइट मिलती है वो पार्शली रिफ्लेक्टिव, राइट. और इसके ये जो दो एंड है वो पैरेलल है एंड पॉलिश है टू ए हाई डिग्री. ज़ीनोन फ्लैश लैम्प, इसका क्या रोल है? ज़ीनोन फ्लैश लैम्प एक्चुअली सराउंडेड होता है टू द रूबी रोड, और ये हेलिकल फॉर्म में है. हेलिकल मतलब ये इस वे में, ये पंपिंग प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं. क्रोमियम आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजर लाइट. क्रोमियम आयन की वजह से ही हम लोगों को लेजर लाइट मिलती है, और ये आयन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द ज़ीनोन फ्लैश लैम्प. जनरली टू टाइप्स की है, एक ग्रीन कलर और एक ब्लू कलर. लेकिन यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दी है वो ग्रीन कलर के थ्रू ही दी है, क्योंकि इन दोनों कलर को एब्जॉर्ब करके, मीन्स इनके कोरस्पॉन्ड जो एनर्जी है उनको एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एंड देन आफ्टर कम्स इन टू द सेम मेटास्टेबल स्टेट. सेकेंड पॉइंट, हीट फ्रॉम ज़ीनोन फ्लैश लैम्प. ज़ीनोन फ्लैश लैम्प एक्चुअली हीट जनरेट करता है ऑफ सेवरल थाउजेंड जूल्स, और जिसकी वजह से जो है उस काफ़ी एनर्जी क्रिएट हो जाती है. लेकिन जो क्रोमियम आयन्स हैं वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में एनर्जी यूज करते हैं, तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो रूबी क्रिस्टल जहाँ रखा हुआ है, राइट, दैट कंटेनर, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. तो कूलिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है. यहाँ आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं ये रूबी क्रिस्टल है, और इसको एक कंटेनर के अंदर रखा गया है जो कूलिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं. यहाँ इसके दो फेसेस हैं, एक फेस ये आप देख पा रहे हैं, दूसरा फेस ये, और ये सेकंड फेस है जो कि पार्शियली रिफ्लेक्टर है, और ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्टर है, फुली रिफ्लेक्टर है. ये व्हाइट कलर का आप जो हेलिकल शेप देख रहे हैं ये ज़ीनोन फ्लैश लैम्प है, पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ. लेजर लाइट आपको इस साइड से मिलेगी. अब अगर वर्किंग की बात करते हैं तो यहाँ थ्री एनर्जी लेवल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है. ये ग्राउंड स्टेट ऑफ द आयंस हैं. यहाँ फिर मैं दोबारा बता दूं कि जो क्रोमियम आयंस हैं वो ही रेस्पॉन्सिबल हैं, और ये उन्हीं के एनर्जी लेवल हैं. E3 जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम यू नो कि वो 10^-8 सेकेंड तक होता है. ये मेटास्टेबल स्टेट है क्रोमियम आयन की, इनका लाइफ टाइम जो होता है 10^-3 सेकेंड्स तक होते हैं. तो क्या होगा, E1 जो ग्राउंड स्टेट ऑफ द क्रोमियम आयन है एब्जॉर्ब द ग्रीन कलर एंड गोज इनटू द एक्साइटेड स्टेट के अंदर, वो
क्रोमियम आयन चले जाएंगे, क्योंकि इसका लाइफ टाइम कम है, तो इमिडिएटली दे विल जंप इन टू द मेटास्टेबल स्टेट, तभी इसको शॉर्ट लाइफ बोलते हैं, शॉर्ट लाइफ स्टेट भी बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो है आयन्स यहाँ इस मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आ जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा या नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा। यहाँ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा, और ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कब होता है, जब आयन अपने कोलिजन करते हैं या फिर लैटिस जो उनका है उसके अंदर वो एनर्जी को यूज करते हैं, तो वो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पर रिलीज हो जाएगी। A1, E2, E3 रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल ऑफ क्रोमियम आयन। क्रोमियम आयन एब्जॉर्ब द ग्रीन कलर, अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ इज दिस एंड गोज इनटू द एक्साइटेड स्टेट। देयर आर फोर ट्रांजिशंस, ये फोर ट्रांजिशंस, वो ट्रांजिशन क्या है, नंबर वन ये एब्जॉर्प्शन, नंबर टू दिस एमिशन, एंड एमिशन इज ऑफ नॉन रेडिएटिव टाइप, एंड थर्ड ट्रांजिशन दिस वन, स्पॉन्टेनियसली वन आयन बेसिकली कम्स इन टू द ग्राउंड स्टेट एंड दैट्स फोटोन, उसका जो फोटोन है वो रेजोनेटर कैविटी के अंदर जो रिफ्लेक्टर लगे हैं वहां पर वो बाउंस या बैक जिस तरीके से भी है चलता रहेगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वो पैरेलल होगा टू द प्लेन जहां पे ये रेजोनेटर कैविटी है जिसके अंदर मिरर लगे हैं, तब पॉसिबिलिटी है कि वो जो एक्साइटेड एटम है या आयन है उनको इंड्यूस कर देगा, और एज ए रिजल्ट ये जो फोर्थ ट्रांजिशन होगा ये हुआ है फ्रॉम द एक्साइटेड आयन के थ्रू जिसके पास में सेम एनर्जी का प्रोटोन है और सेम डायरेक्शन है, तो ये फोर्थ ट्रांजिशन है। तो यहाँ ये ध्यान रखने का है कि जो हम लोगों को लेजर लाइट मिलती है उसमें सबसे पहले जो है इन केसेस के अंदर एक स्पॉन्टेनियसली जो है एमिशन होगा प्रोटोन का, और दैट प्रोटोन बेसिकली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। ट्रांजिशन जो फर्स्ट ट्रांजिशन की बात यहाँ की है इज द ऑप्टिकल पंपिंग ट्रांजिशन जो अभी हम लोग बोल रहे हैं। एक्साइटेड आयन फ्रॉम E1 जंप इन टू द मेटास्टेबल स्टेट बाय रिलीजिंग सम एनर्जी इन कोलिजन एंड टू क्रिस्टल लैटिस। ये अभी जो ये पॉइंट है राइट, यहाँ तक ये जो पॉइंट है, तो ये अपनी एनर्जी कैसे रिलीज करते हैं, बाय रिलीजिंग सम एनर्जी इन कोलिजन एंड टू क्रिस्टल लैटिस। सेकेंड ट्रांजिशन इज रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, मेटास्टेबल लाइफ टाइम 10^-3 सेकेंड इज लॉन्गर एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट जो अभी मैं बोल चुका हूँ। और जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो कहाँ अचीव होगा, दैट विल अचीव इन E2 एंड E1, और ये स्टेट क्या है, मेटास्टेबल स्टेट। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अभी ये 10^-8 सेकेंड है, दूसरे यहाँ आयन है वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ जा रहे हैं, इसका लाइफ टाइम 10^-3 इससे 5 times मोर राइट। तो यहाँ क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे जो आयन्स हैं, तो अब यहाँ नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ कम हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा E2 और E1 के बीच में राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट, इनफैक्ट द इन्वर्टेड पॉपुलेशन इज नॉट स्टेबल एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबल एट एनी टाइम। जो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि अभी ये E2 है और ये E1 है, E2 यहाँ हम लोगों ने मेटास्टेबल स्टेट कहा है, उसमें से क्या होगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो चुका है, तो क्या होगा कि यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी स्पॉन्टेनियस एमिशन की। तो जैसे ही स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा ये प्रोटोन जो है ये हेल्पफुल होता है टू इंड्यूस अदर एटम्स, और वहां से फिर हम लोगों को ये 2 protons इस टाइप से मिलेंगे, और फिर ये प्रोसेस रिमेंस कंटिन्यू। क्रोमियम आयन जंप स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम A2 टू दी E1, इट एमिट्स ए प्रोटोन ऑफ दिस वेवलेंथ दैट इज 6943 angstrom राइट। दिस प्रोटोन ट्रेवल इन रेजोनेटर कैविटी एंड induce other excited chromium ion, as a result a new photon emits in same direction with same energy right. You can see this transition in the fourth number which I have seen you shown you. Now the next point, stimulated radiation along the axis dominates due to multiple reflection
फोटोन बीम पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल ग्रोज इन स्ट्रेंथ एंड वी ऑब्टेन लेजर लाइट थ्रू द पार्शियल रिफ्लेक्टर। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको समझना होगा कि ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ है ये बेसिकली एक पहली फ्लैश थी जो जिनोन लैंप की उससे हुआ है, तो उसी के बाद दूसरी जो आपकी फ्लैश आएगी फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा, तो सेम प्रोसेस रिपीट्स फॉर द नेक्स्ट फ्लैश ऑफ लाइट। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन लेजर जो है वो पल्स लेजर है, इसी वजह से इसको पल्स लेजर बोलते हैं। लेजर की जो वेवलेंथ है 6943 एंगस्ट्रॉम है इस केस में, और जो ये पल्स आपको मिलती है उसका लाइफ टाइम जो होता है 300 माइक्रोसेकंड है, देन आफ्टर द सेकंड वन आउटपुट जो है वो 10,000 वॉट है, तो ये बहुत ज्यादा है, तो ये इसके फीचर। अब एप्लीकेशन क्या है इस लेजर का, रूबी लेजर है डिक्लाइन इन यूज विद द डिस्कवरी ऑफ बेटर लेजिंग मीडिया, दे आर स्टिल यूज इन ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन वेयर शॉर्ट पल्स ऑफ रेड लाइट आर रिक्वायर्ड, तो होलोग्राफर्स अराउंड द वर्ल्ड प्रोड्यूस होलोग्राफिक पोर्ट्रेट्स जो है वहाँ पे यूज होते हैं, तो होलोग्राफी के अंदर इसका यूज है एक पॉइंट। दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लैब यूज रूबी लेजर्स टू क्रिएट होलोग्राम ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज एयरक्राफ्ट टायर्स टू लुक फॉर वीकनेस इन द लाइनिंग, रूबी लेजर वर यूज एक्सटेंसिवली इन टैटू एंड हेयर रिमूवल। ड्रॉबैक क्या है, तो मेन जो ड्रॉबैक है उसका वो यही है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को जब आप अचीव करते हैं उसके लिए जो पल्स होगी ठीक है हायर एनर्जी रिक्वायर्ड है। सेकेंड पॉइंट, ये जो आपकी लेजर है वो पल्स की फॉर्म है लाइक दिस, आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूस बट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पल्स, दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस लेजर। द डिफेक्ट्स ड्यू टू क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन आर आल्सो प्रेजेंट इन द लेजर, तो ये एक्चुअली क्रिस्टल है रूबी क्रिस्टल है तो वहाँ इम्परफेक्शन हो सकता है और वो रिमेन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आस्क द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क और कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, राइट। सो थैंक्स वंस अगेन।